एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जे यूनिट 5 ओवर जे यूनिट 4। ठीक है, इस टॉपिक में आगे बढ़े उससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन जे यूनिट 4 एंड जे यूनिट 5। उससे पहले हमने जे यूनिट के वर्जन को समझा था और उससे पहले हमने कि जे यूनिट क्या होता है उसको समझा था। तो अभी हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या है जे यूनिट 5 का जे यूनिट 4 के ऊपर। ठीक है, तो डिफरेंस तो समझ लिया है, तो एडवांटेजेस समहाउ वैसा ही है। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बता देता हूँ क्या एडवांटेजेस है जे यूनिट 5 का। ठीक है, तो जे यूनिट 5 इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू फीचर्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन जे यूनिट 4। जाहिर सी बात है कि वो फीचर्स जो जे यूनिट 4 में नहीं थे वो जे यूनिट 5 में लाए गए। अब उसमें से कुछ क्या क्या फीचर है, तो वो फीचर है यहाँ पे 5 पॉइंट्स में कि बेटर सपोर्ट फॉर जावा 8। ये जावा 8 को ये जे यूनिट 5 बेटर सपोर्ट करता था। सिर्फ जावा 8 ही नहीं, उसके ऊपर जो भी वर्जन्स है 9, 10, अप टू 20, 21। ठीक है, अभी 21 मार्केट में नहीं है बट 21 आने वाला। ठीक है, इम्प्रूव्ड टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव किया, उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव किया। ठीक है, इसमें और पावरफुल असर्शंस लाए गए। असर्शन वो टूल वो मेथड्स होते हैं, एक असर्शन क्लास है उसके मेथड्स हैं, वो मेथड्स होते हैं जो कि हमारे टेस्ट को वेरीफाई करते हैं कि जो कोड लिखा हुआ वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, फोर्थ वन, बेटर सपोर्ट फॉर पैरामेट्राइज टेस्ट। जे यूनिट 5 बेटर सपोर्ट देने लगा पैरामेट्राइज टेस्ट, मीन्स पैरामेट्राइज टेस्ट को बेटर सपोर्ट देने लगा। बेटर सपोर्ट फॉर डायनेमिक टेस्ट, मीन्स रन टाइम में हम डायनेमिक टेस्ट लिख सकते थे। तो ये कुछ कुछ मेन एडवांटेज है जे यूनिट 5 के जे यूनिट 4 के ऊपर। ठीक है,